हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानचंद स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिस इज द पार्ट नंबर 5 ऑफ योर सेकंड चैप्टर, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है उसकी एडवांटेजेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम को लेके। तो जो मेन एडवांटेजेस हैं, पहले हम मैं उनको लिस्ट अप करने जा रहा हूं। तो जो मेन एडवांटेज है आपके एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो नंबर वन, इट इज इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। वन बाय वन हम के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दैट सिस्टम इज इट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड थर्ड, इट इज मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। दीज आर द थ्री मेन एडवांटेज ऑफ द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेन किया कि व्हाई वी फील द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसकी नेसेसिटी हमें क्यों फील किया, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले जो हमारे पास थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट था, जो उसमें एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, आपका एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट एंड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, जो ये थे, जो दैट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और रीजन टू रीजन वेरी करते थे, और कोई साइंटिफिक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं थी। जो वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी थी, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरेस्ट। कोई एफपीएस सिस्टम को अडॉप्ट करता था, किसी कंट्री में एमकेएस सिस्टम जो था प्रचलित था। तो इस तरह से क्या हो रहा था, एक सिस्टम जो था, जो साइंटिफिक जो फॉरम में एक कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई। तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए वी हैव टू नीड ए सिस्टम ऑफ यूनिट जो क्या हो, जिसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो और उसकी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। तो दैट्स वाई जो साइंटिफिक कम्युनिटी, जो आपके पास, जो आप जानते हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, जो 1960 में इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक्चुअली दिस इज जो आपके पास जो एमकेएस सिस्टम है उसका ही एक फॉलोअप है। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो एमकेएस सिस्टम है उसका ही एक फॉलोअप है। तो उस चीज को भी आप ध्यान लीजिए। कभी आपके पास पूछा जा सकता है कि कहां से किस चीज को अडॉप्ट, कहां से अडॉप्टेशन उसका हुआ है, इसको कहां से अडॉप्ट किया गया। तो इसको अडॉप्ट किया गया फ्रॉम द एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब क्योंकि क्यों किया गया, क्योंकि इसकी बहुत कुछ एडवांटेजेस हैं, इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। और जो पिछला जो ओल्ड सिस्टम, मीन जो थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट था, उसकी क्या ड्रॉबैक्स थी, ये भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो उसकी मेन ड्रॉबैक जो मैंने आपको डिस्कस की थी, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता था। क्लियर? किसी कंट्री में उसी सेम वैल्यूज को उन्होंने आपका फुट में एक्सप्रेस कर किया, तो उसी वैल्यूज को दूसरे कंट्री में या किसी अदर रीजन में उसको एक्सप्रेस किया मीटर। तो इस तरह से क्या होता था, एक डिस्क्रिपेंसीज, जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप या उनके बीच जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल था उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता था। नॉट टू बी इजी फॉलो, कहने का मतलब हम उसको इजिली फॉलो अप नहीं कर पाते थे। तो इसलिए हमें उस सिस्टम को छोड़ना पड़ा और वी हैव टू फील द नेसेसिटी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि इसकी जो थ्री मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं जो मैंने यहां पे लिस्ट अप की हैं, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं वन बाय वन इनको भी एक्सप्लेन करूंगा कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है। एंड देन इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा कि रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। एंड इट इज ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट,
तो आप इन तीनों को लिस्ट अप कर सकते हैं। या आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, व्हाई वी नीड, व्हाई फील द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ड्यू टू दीज द फॉलोइंग, जो आपके पास जो यहां पे फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं इनकी वजह से। ओके तो एग्जामिनर कुछ भी पूछा, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो यू हैव टू गेट रेडी। अब मान लीजिए आप क्या समझते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले हम कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं, जो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। जो आपके पास जो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट से आप क्या समझते हैं, राइट। जो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, आपने जो हम फिर आते हैं अपने यूनिट पे, जो हमारे पास बेसिक यूनिट है, दैट इज वी हैव सेवन बेसिक यूनिट, आई एम रिपीटिंग, कौन कौन से हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला एंड लास्ट वन दैट्स मोल। वी हैव ए सेट ऑफ सेवन बेसिक यूनिट्स एंड टू सप्लीमेंटरी यूनिट दैट इज रेडियन एंड स्टेडियन, क्लियर। तो जितने भी, क्योंकि एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ये है कि हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम के यूनिट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट इजीली ड्राइव आउट कर सकते हैं, इधर वाई मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द सेवन बेसिक एंड टू सप्लीमेंटरी यूनिट। दिस इज द मोस्ट फॉरमोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट इज दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच वी कैन इजिली, क्या कर सकते हम, इजिली ड्राइव यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ओके कैसे निकालते हैं, इधर वाई डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग, सेट ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंटरी यूनिट्स। व्हाट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच वी कैन इजिली ड्राइव यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इधर बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग फ्रॉम सेट ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंटरी यूनिट, क्लियर। कहने का मतलब है इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट इजिली ड्राइव आउट कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हम यूनिट इजिली ड्राइव आउट कर सकते हैं, कहां से, इधर वाई डिवाइडिंग और इधर वाई मल्टीप्लाइंग, कहां से, फ्रॉम द जो हमारे पास सेवन बेसिक यूनिट प्लस टू सप्लीमेंटरी यूनिट है, जो हमारे पास सेवन बेसिक और टू सप्लीमेंटरी यूनिट है उनको यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट ड्राइव आउट कर सकते हैं। तो दैट इज द मीन ऑफ द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट और दिस इज द फोरमोस्ट एडवांटेज ऑफ आपका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसके बाद एग्जाम्पल आता है आपके
रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। नेक्स्ट वन इज दैट रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करते हैं। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या, हमें हर चीज पे फोकस करना है, छोटी छोटी जानकारी। ये रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, इट्स द फोर मोस्ट एडवांटेज ऑफ एसआई, क्योंकि देर आर मोस्ट जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं आपकी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की। अभी तो एक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके हम अंडरस्टैंड भी कर पाए हैं, अब हम बात करेंगे रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। प्रॉब्लम इज दैट जो हमारे पास जो ओल्ड सिस्टम, जो हमारा थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट था, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, राइट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक एनर्जी है, एनर्जी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, और इसके परिवार में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, आपकी सोलर एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, राइट, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, टाइप्स ऑफ एनर्जी इन दिस सिस्टम, और वहां पे हर टाइप ऑफ एनर्जी के लिए अलग अलग से यूनिट हुआ करते थे। अगर हम ओल्ड सिस्टम की बात करें, थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है, जो काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करने का जो यूनिट है, दैट इज जूल, वो क्या था, जूल। और अगर मान लीजिए मैं हीट एनर्जी की बात करूं, तो हीट एनर्जी को एक्सप्रेस करने का जो यूनिट है वो कैलोरी, राइट। अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो यूनिट हैं, दैट इज वाट आर, आप देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे किसकी फॉर्म है, ये सारे के सारे किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, एनर्जी से। तो एनर्जी इज ए सिंगल फिजिकल क्वांटिटी, और उसको देख रहे हैं कि उसके डिफरेंट जो फॉर्म है उसकी, उनके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं। काइनेटिक एनर्जी के जूल हैं, हीट एनर्जी के कैलोरी हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी के वाट आवर हैं, जबकि दे बिलोंग टू सेम फैमिली, दैट इज एनर्जी। तो इस तरह से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर हम जो हमारा ओल्ड सिस्टम मीन थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो। बट इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, जितने भी एनर्जी हैं, उन सब का एक ही सिंगल यूनिट है, दैट इज जूल, राइट, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि इसमें ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, राइट, ऑल टाइप तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ सेम फैमिली हैव रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल यूनिट ओनली। जो फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी है, उससे एक ही परिवार की, उसके सेम या सिमिलर कैरेक्टर की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको एक ही यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड व्हाई रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो एडवांटेज है इसकी क्या कहती है, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से आप क्या समझते हैं, इज दैट सिस्टम ऑफ यूनिट, इन विच फिजिकल क्वांटिटीज, belongs to same
family are expressed by a single unit. Okay, so this is about the rational system of unit. Is that system of unit in which physical quantities belongs to same family are expressed by a single unit. Okay, कहने का मतलब हुआ जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक ही फैमिली से अगर बिलोंग करती हैं तो उनको जो एक्सप्रेस की जो उनको एक्सप्रेस करने का जो यूनिट होगा वो एक ही होगा, राइट right? तो इसको ज्यादा आपने और अंडरस्टैंड करना है तो मैं उस एग्जांपल को जो भी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया उसको भी इलैबोरेट करके देखता हूं, तो आप उसको भी फॉलोअप ले सकते हैं किसी आर्टिकल में जब इस तरह से पूछा जाए तो उस एग्जांपल को भी दे सकते हैं. अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तो आप इसको भी यहां तक भी चलेगा, अगर आप एग्जांपल देते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा क्लियरिटी हो जाती है, तो आप उस एग्जांपल को भी ले लीजिए. तो ये आपने नोट डाउन कर लिया क्या? ओके कर लिया, धीमे से आवाज आई, नोट कर लिया राइट. चलिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल है और इन एग्जांपल से आप अच्छे ढंग से परिचित हैं. आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ी है, आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है, आपने हीट एनर्जी के बारे में भी पढ़ा है. आपको मालूम है कि हीट एनर्जी के यूनिट कैलोरी होते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उसके बारे में भी आपने अच्छी खासी जानकारी है आपको क्योंकि उसके यूनिट होते हैं वाट आवर राइट. तो आप देख रहे हैं कि सारे की सारी एनर्जी की फॉर्म है, मीन एक ही फैमिली से बिलोंग करती है, परंतु जो हर एक ही फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी उनके जो एक्सप्रेशन जो यूनिट है यूनिट टू एक्सप्रेस वो सब अलग अलग है, किसी के जूल हैं, किसी के कैलोरी हैं, किसी के वाट आवर हैं. तो क्यों ना इन सबको एक्सप्रेस करने पे इन सब के एक यूनिट होना चाहिए क्योंकि सारी एक फैमिली से बिलोंग करती हैं. तो फॉर एग्जांपल इन ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट यूनिट the unit of kinetic energy are yes sir unit of kinetic energy heat energy and electric energy आर क्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी जूल स्मॉल लेटर जूल, हीट एनर्जी कैलोरी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी वाट आवर एंड वाट आर respectively. But in SI they all have single unit. That is joule. Okay, तो most important example मैंने आपको यहां पर cite किया in old system of unit, the unit of kinetic energy, heat energy and electric energy are एक example दिया है joule, calorie and watt hour respectively. But in SI they all have इन सबके लिए have a single unit that is joule.
तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और जो नेक्स्ट है दैट इज अ मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। जो मीट्रिक सिस्टम होता है जब हम जो वैल्यूज हैं उनको 10 की पावर में लिख सकते हैं इजिली। जैसे 1000 किलोग्राम है तो 1000 किलोग्राम का मतलब हुआ 10 की पावर 3, क्योंकि हमको उनको मल्टीपल और सब मल्टीपल 10 की पावर मल्टीपल और सब मल्टीपल की फॉर्म में हम बड़े इजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो बात की एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम को, और उसके बाद उनके हर कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड किया कि रैशनल सिस्टम से हम क्या समझते हैं, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है और मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो आज बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आज हमें सीखने को मिली, हमें मींस आपको, और आपके साथ इंटरेक्शन पे मैंने भी कुछ सीखा, राइट। तो डियर फ्रेंड्स आप ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स के साथ बने रहिए और अपने रिप्लाई कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।